हाय, वन मोर टाइम अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस। आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी बिकॉज आप लोगों ने टाइम दी हमारे इस सेशन को आज ज्वाइन किया है। एंड आई एम श्योर आज आप थोड़ा सा एक्साइटेड भी होंगे कि आज क्या होने वाला है। जी हाँ, आज का जो ये एपिसोड है ये बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा हटके, बिकॉज हम सबको पता है कि आज के इस डेट में हमारे इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, राइट? सो ये जो रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, ये जो इवोल्यूशंस आ रहे हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम सब इसमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट्स के साथ आज बात करें, राइट? मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है और ये जो चेंजेस है जिनके वजह से है, उन लोगों से, उनके तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आम तौर पे अगर देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सेटल्ड एंड यू नो लोगों को आप ऐसे लोगों से, ऐसे लीडर्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं जो कि काफी समय इस इंडस्ट्री में बिता चुके हैं, जिन्होंने 20 साल 18 साल 20 साल 25 साल यू नो इस इंडस्ट्री को ऑलरेडी इन्होंने दिया है, इन्होंने सक्सेस को एक्सपीरियंस किया है, एंड दे आर प्रीटी एक्सपीरियंस्ड। एंड यू नो हम सबको लगता है कि यार ये तो जो बिजनेस है ना, जो एकदम सेटल्ड है लाइफ में, जो कि थोड़ा बहुत टाइम बिता चुके हैं, उनके लिए है। जी नहीं, क्या आपको पता है 55,18,664? जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, आई रिपीट दैट अगेन, 55,18,664 प्लस लोगों ने हमारे इस इंडस्ट्री के साथ अपने आप को जुड़वाया है लास्ट 2 साल के अंदर। ओके, मतलब हमारे इस इंडस्ट्री में, हमारे इस बिजनेस में बहुत सारे न्यू फेसेस, यंग एनर्जी आ रहे हैं, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में हम बहुत सारा चेंजेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम डिजिटलाइजेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम बहुत सारे नए तरीके से इस बिजनेस को देख सकते हैं, इसको आगे प्रोग्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, राइट? तो ऐसे ही एक चेंज एजेंट, ऐसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट के साथ आज बात करेंगे और उनसे सुनेंगे कि अपकमिंग जनरेशंस के लिए क्या ये इंडस्ट्री सही है, क्या ये कंपनी सही है जहां पे आप अपने आप को एक पहचान दे सको, क्या आप इस इंडस्ट्री के साथ अपने आप को एक नया मकाम पे पहुंचा सकते हो, क्या आप अपने सपनों को इस इंडस्ट्री के साथ फुलफिल कर सकते हो। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक शख्स के साथ बात करेंगे जिन्होंने चांस की इस प्लेटफॉर्म को चुना अपना करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो देरी ना करते हैं, लेट्स वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर शेखर बोरा। शेखर जी, आप आ जाए स्टेज पे, आप अपने आप को अनम्यूट करें और कैमरा को ऑन करें। कैन यू प्लीज अनम्यूट शेखर? ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट। यस, सो गुड मॉर्निंग, थैंक यू लूना जी, थैंक यू सो मच दी पावर्ड आवर शेखर। और आपसे आज हम बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट बहुत सारे लोगों का जो एक एक थॉट प्रोसेस है, उसमें हम कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे हम उनके साथ चेंजेस को ला सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम टू द शो शेखर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल डायमंड लीडर्स, आई हार्टली वेलकम यू ऑल। और मैं थैंक यू करूंगा टीएंस का कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आज मैं लीड करने का मौका मिला, और रियल में बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत सारी एक्सपीरियंस है जो मजा आएगा अभी शेयर करके। तो पहले तो मैं सभी को थैंक यू बोलूंगा, आई रियली थैंकफुल टू गॉड एंड आई रियली थैंकफुल टू माय सीनियर अपलाइन मिस्टर पालवी बसनायक जी, आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर ली, आई रियली थैंकफुल टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूटर्स।
बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी टीएंस जो है वो लाइव बन चुकी है और आज इसको करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और इवेंचुअली थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को लेके आज दिन 19 साल की एज में मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी। और जब मैंने 19 साल में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मुझे नहीं पता था, एक्चुअली सिर्फ कहते हैं ना वो सपना सपना सपना, तो सपना एक ही था कि पूरी दुनिया घूमनी है। ये नहीं पता था कि पैसे कमाने पड़ते हैं और बहुत सारी मेहनत, कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक चीज था माइंड में कि ट्रैवल करना है, पूरी दुनिया देखनी है। कहते हैं ना जीवन तो एक बार मिलता है, तो उस सोच के साथ हम कर रहे थे। और मैं उस दौरान मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था, बीकॉम का सेकंड ईयर मेरा चल रहा था। और इवेंचुअली एक प्लान प्रोसेस होता है हर इंसान के अंदर, तो मेरा प्लानिंग था कि 19 साल की एज में मैं सेकंड ईयर में था, मुझे पता था 21 साल तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, ऑलमोस्ट 22-23 साल में मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद मैं 3-4 साल की जॉब करके सेव करके, मतलब एक क्लियर था कि एक बार मैं इंटरनेशनल ट्रैवल जरूर करूंगा। और मेरे पूरे परिवार में आज तक किसी ने इंटरनेशनली तो क्या मैं कहता हूँ प्लेन में कोई नहीं बैठा, लेकिन इस इंडस्ट्री की वजह से आज पूरी फैमिली प्लेन में बैठ चुकी है। तो यही चीजें थी कि जहां से इस जर्नी की और इस सफर की शुरुआत हुई। तो अब ये क्लियर था कि एमबीए करनी है, सेविंग करनी है, तब जाके मुझे पता चला। कहते ना कभी कभार आपको कहीं पहुंचना हो और वो बोले कि यहाँ, मतलब आप वहां पहुंच गए और वहां पे वो शख्स बोले कि आप क्यों आए हो यहाँ पे। क्योंकि जब मैं एमबीए कर रहा था तो मेरे को ऐसे एमबीए लोग टकराए जो ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके थे, एक्सपीरियंस ले रहे थे जॉब का, तो उनकी चीजों को देख के डर लगने लग गया, क्योंकि जो उनका जीवन बीत रहा था ऐसा लग रहा था वो जीवन तो हमारा भी होने वाला है। क्योंकि वो बता रहे थे कि हमने इतनी पढ़ाई की, इतना एक्सपीरियंस लिया, इतना सब कुछ किया, बट जो चाहिए आज की डेट में, तो जो चाहिए आज की डेट में कहते वो नहीं मिल पाया। तो मुझे ऐसा लगा था कि जो सोचा था शायद वो भी नहीं हो पाएगा, बट आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर पाल बी बसनायक जी कि उन्होंने सिर्फ एक चीज पूछी मुझसे जब वो मुझे मिले कि शेखर क्या पूरी दुनिया घूमनी है। मैंने बोला कि भगवान आए, और उन्होंने पूछा कि भगवान ने बोला भैया तुम्हें अपनी ये विश पूरी करनी है, तो मैं नो नहीं बोल सकता था, मेरा तो क्लियर था कि मुझे करनी है। ग्रेट, तो शेखर एकदम आपके दिमाग में आपका वो रीजन क्लियर था कि जिंदगी में जो है मुझे फॉरेन ट्रिप्स करने हैं, ये एकदम विजन क्लियर था, राइट? और ये आपको ड्राइव करता गया, राइट? ये आपको ड्राइव किया, आपने जो जो भी आपने अभी तक किया है ये आपको ड्राइव किया, राइट? राइट। और इसके अलावा भी मैं अगर मैं बात करूं कि सर ने मुझे एक बार उस टाइम पे बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक सेमिनार में मैं बोलता हूँ, आप वहां जाओ, वहां देखो, वहां समझो, वहां सीखो और वापस आना, अगर तुम्हें कुछ लगता है कुछ करना है तो वापस आना, मेरे साथ बैठना, फिर मैं समझाऊंगा। तो मैं उस प्रोग्राम में गया इवेंचुअली, और उस प्रोग्राम में जैसे हम हमारे ओपीपीज करते हैं, टीएसएस करते हैं, तो कई जगह आपने देखा होगा प्रोफाइल हमने बताया, तो वो मेरे सर के ऊपर से गया क्योंकि एज नहीं थी और बेसिकली कभी काम नहीं किया था। सेकेंडरी जब प्रोडक्ट्स की बात आई तो मेरे को ये मानना था कि मैं एक्चुअली बीकॉम स्ट्रीम से हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, और ये हेल्थ जो है मेडिकल में आ गया, तो मैंने कहा ये भी साइड हो गया। फिर मार्केटिंग प्लान आया, वो भी समझ नहीं आया। फिर एक पिक्चर थी जिसने मुझे रेडी कर दिया कि मुझे इस काम को करना है, वो पिक्चर ये थी जब ये कंपनी 2015 में ये कंपनी 6400 लोगों को लेके फ्रांस उड़ी थी ना, मुझे ऐसा लगा जब इतने सारे लोग जा सकते हैं बिल्कुल तो मैं क्यों नहीं, जब इतने सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं और ऐसे लोग जो हर एक स्ट्रीम से हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रीम है, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो अनएजुकेटेड है, तो सारे लोग जब वहां ट्रैवल कर सकते हैं तो मुझे ऐसा लगा मैं क्यों नहीं। बस एक ही चीज थी कि जब मैं उस ओपीपी में था तो पूरे हॉल में 19 साल का सिर्फ एक ही लड़का था, उसका नाम था शेखर बोरा, मतलब मुझे अपने आसपास का कोई और दिख नहीं रहा था। बट कहते हैं ना कि जब भी हम उस अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट उस टाइम पे एक अच्छे प्रोफेसर जो उस टाइम पे वहां स्पीच दे रहे थे, उन्होंने स्पेशली एक चीज बोली, कहते जिंदगी में ना बिना खाए आपको कभी जिंदगी का टेस्ट नहीं आ सकता, तो टेस्ट तो करना पड़ेगा। अब वो बात है जब आप टेस्ट करोगे ना तो ही आपको पता चलेगा कि आपने जो खाया है वो मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा है, उसके लिए आपको टेस्ट जरूर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट, कि या तो क्योंकि एक होता ना कि करने और ना करने के क्या
तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा अगर मैं इस काम को नहीं करता तो एमबीए वाले लोग तो मैंने देख रखे थे, मैंने कहा वहां तो जाने ही जाना है, ऑब्वियस सी बात है कि वहां तो हो ही जाएगा। बट जैसे ये लोग समझा रहे हैं, जैसे ये लोग बात कर रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी का वर्जन है इतना बड़ा और जो चल रहा है, मैंने कहा अगर ये हो गया तो आई डिसाइडेड मुझे ये काम करना है। मैं सीधा पाल सर के पास आया और मैंने उनको बोला कि मुझे काम को करना है, आप बताएं क्या करना है मुझे। और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने मुझे इस कंपनी का जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट एंड गोल्डन प्रोडक्ट मैं मानता हूं, दैट इज टीएनएस एरी सैनिटरी नैपकिन। राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं उस ओपीपी में जब खड़ा था तो मुझे दूर से लोगों ने दिखाया वो सैनिटरी नैपकिन। हाँ, तो उस टाइम पे हुआ ये कि मुझे लगा नहीं था कि सैनिटरी होते क्या, मुझे पता भी नहीं था। मेल्स को बहुत कम अगर एजुकेशन दी जाती है अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल और बहुत सारी चीजें, बट उस टाइम पे मैंने दूर से ओपीपी में देखा था कि एक पैड गीला है, एक पैड सूखा है, एंड आई वॉज थॉट कि ये सिर्फ एक टिश्यू पेपर है जिसको मार्केट में हर एक रेस्टोरेंट में जाएगा ये, मतलब मैं वहां से कन्वर्जन लेके आया था कि ये करेंगे। बट जैसे ही मैं पाल सर के पास बैठा, मेरा पहला डेमो जो मुझे दिखाया वो पाल सर ने दिखाया अपने हाथों से, उन्होंने दिखाया ये सैनिटरी पैड है, ये एक ऐसी चीज है जो आज हजारों लाखों फीमेल्स की लाइफ को चेंज कर चुका है। जब उन्होंने वो सारी चीजें दिखाई ना, तो एक बारी को कहते ना जमीन हिल गई कि ये क्या चीज थी, कैसे बताएंगे। और उसी दौरान एक दूसरा प्रोसेस माइंड में चला, जब इतनी सक्सेसफुल इंसान मुझे बैठ के ये चीज दिखा सकते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तो क्या मैं तो अपनों को दिखा सकता हूँ। क्या बात है, आई थिंक दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो कि शेखर जी ने अभी अभी हमारे साथ शेयर किया। सोच के देखिए, बैकग्राउंड 19 साल का लड़का, इसके दिमाग में एकदम सपने भरे हुए हैं, एकदम फुल ऑफ लाइफ है, और इनको फॉरेन ट्रिप्स करने थे, इनका वाई क्लियर था, इनका विजन क्लियर था, करना क्या है वो क्लियर था। दूर से ओपीपी में सैनिटरी नैपकिन का इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, और डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद इनको लगा कि ये टिश्यू पेपर है, और अपने दिमाग में उन्होंने एक सेलिंग स्टोरी भी बना ली कि इसको हम टिश्यू पेपर के तौर पे प्रमोट करेंगे, राइट। और फिर जब ये मिस्टर पाल के ऑफिस में गया और मिस्टर पाल ने साथ में इनको बिठा के एक्चुअली सैनिटरी नैपकिन होता क्या है और उसका यूजेज क्या है और चैन सैनिटरी नैपकिन का पावर क्या है, ये जब शेखर जी को उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने कहा कि इनकी तो मतलब लगा कि यार ये क्या था और इसको हम करेंगे कैसे। आई थिंक शेखर, दैट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द जेन्युइन फीलिंग। आपने जो जेन्युइन फीलिंग को जिया होगा उस टाइम पे, आपने बिल्कुल वही हमारे साथ शेयर किया, और इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूंगी, बिकॉज यहाँ पे बैठे हुए सब लोग ये समझ पा रहे हैं कि सच्चाई क्या होती है, और सच्चाई को फेस करने के बाद इंसान का फीलिंग क्या होता है, वहां से फिर जर्नी को कैसे टर्न अराउंड करना होता है। जी शेखर, ओवर टू यू, आगे बताएं, फिर आपने क्या किया। बिल्कुल मैम, तो उस दौरान ये प्रोसेस भी चल रहा था, और सैनिटरी की अगर मैं बात करूं तो आई थॉट कि आई वॉज लकी कि मेरे पास एक ऐसा गोल्डन, मैं बोलता हूँ गोल्ड था वो, कि जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई। क्योंकि मैंने स्टार्ट, जब मेरा स्टार्ट हुआ, सर ने मेरे को एक चीज बोला कि अगर तेरे को पूरी दुनिया घूमनी है ना, ये नैपकिन हर घर तक पहुंचा दे तो पूरी दुनिया घूम पाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जब सर ने किया तो वाई नॉट मी। मैंने सिर्फ एक ही डेमो जिंदगी में लिया, वो पाल सर से लिया मैंने, उसके बाद कभी भी मैंने डेमो नहीं लिया। उसके बाद मैंने खुद से पहले ही दिन से मैंने डेमो करना शुरू किया, और पहला ही डेमो में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर किसी को पता है कि जब भी कोई अच्छी चीज या कोई भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो इंसान सबसे पहले रिश्तेदारों को नहीं अपने दोस्तों को पकड़ता है। तो पहले मैं दोस्तों के पास गया, उनके पास जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स थी उनको मैंने दिखाया बहुत सारी, मतलब पहली बारी में मुझे पता है कि वो मैंने फाड़ा कैसे था, आज हंसी आती है उसको देखते हुए कि वो कैसे मैंने फाड़ा था वो नैपकिन फर्स्ट टाइम का। तो जब वो मैंने फाड़ा वो नैपकिन, तो पहली बात तो सारे लोग हंसे, जो भी मेरे दोस्त यार थे, बहुत सारा मजाक हुआ सारी चीजें, बट एट लास्ट उन्होंने बोला कि ये नैपकिन हमें वैसे ही दे दे, हम तो वैसे ही ले लेते, दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो डेमो करना है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और मैम, मैंने जब स्टार्ट किया तो ऑलमोस्ट मैं 6 महीने में 400 से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन मैं कर चुका था, वन टू वन इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, हर जगह मैंने वो डेमो किए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज इससे कॉन्फिडेंस मैं बोलता हूँ कि अगर कोई बेस्ट
सैनिटरी पैड का डेमो, कहते ना अगर टीएंस में अगर रखा जाएगा तो मुझे पता है उसमें एक सिलेक्शन मेरी होगी पक्की। इतना परफेक्शन है सैनिटरी पैड में। तो वहां से मेरा लाइफ शुरू हुआ। और जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो कहते हैं ना चैलेंजेस। नहीं नहीं शेखर, बिफोर दैट शेखर, मतलब मुझे आपसे और एक चीज पूछनी है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फीमेल्स, बहुत सारे लेडीज यहाँ पे प्रेजेंट है और वो एकदम मन लगा के आपका आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो सुन रहे हैं। एंड मुझे इनके चेहरे पे एक एक्साइटमेंट और एक व्हाट डू आई से एक कमिटमेंट भी दिख रही है कि अगर एक लड़का 19 साल का एक लड़का इस चीज को कर सकता है। जैसे आपने सच्चाई बताई कि मुझे आज भी याद है कैसे मैंने उस नैपकिन को फाड़ के दिखाया था, कैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। क्या शेखर एक बात बताएं, क्या ये इजी था? आज तो आप बहुत इजीली इसको स्टोरी टेलिंग के रूप में हम सब तक के पहुंचा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे ये आपके लिए जो फर्स्ट डे जब आप एक सैनिटरी नैपकिन जो कि थोड़ा सा हटके था, ये कन्वेंशनल तरीका नहीं था, एक लड़का सैनिटरी नैपकिन लेके अपने फ्रेंड्स के पास जाए या किसी की भी किसी लेडी के पास जाए, वो थोड़ा सा होता है ना कि सोसाइटी में अभी भी वो एक टैबू है, सोसाइटी में अभी भी वो एक बैरियर है, आपने उस चीज को कैसे ओवरकम किया? बिल्कुल। और इसमें अगर मैं बात करूं कि जब मुझे डेमोन्स्ट्रेशन मेरे लिए, कहते ना कभी भी एक इंसान के पास अगर कुछ इम्पोर्टेंस होगा ना, कहते ना इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंट, तो इंसान जो होता है ना आज की डेट में इम्पोर्टेंस को सेलेक्ट करेगा। और हमारी इम्पोर्टेंस थी जब मुझे, मैंने इसको ज्वाइन किया था तो मेरा सिर्फ एक ही था, मुझे पूरी दुनिया घूमनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे क्लियर था कि अगर मुझे घूमना है मुझे डेमो करना पड़ेगा। ये मेरे साथ है, बहुतों के साथ बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को ऊपर कीजिए। आपका मन होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। कहते हैं ना लोग तो गलत तरीकों से भी कमाते हैं, ये तो फिर भी हम लोगों की जान बचा रहे हैं। अगर ये तो नोबल कॉज के साथ काम कर रहे हैं। जी राइट। सो उसी दौरान जब डेमो भी हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था, तो ऐसा नहीं था कि इजी था। जब मैं बैठा अपने दोस्तों के पास तो पहली बात तो मेरे को पैकेट को निकालने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया और मैंने किया और नहीं, वो मेरे को निकालने में, क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठा, हमने पानी पिया, बैठे हुए थे, तो मेरे को था कि मैं क्या बोलूं कैसे करके मैं उनको दिखाऊं। बट अंदर से डर हो रहा था, दिल धड़कता है बड़ी तेज जब आप उस चीज को उस प्रोसेस के अंदर होते हैं फर्स्ट टाइम। तो बिल्कुल है, वहां से जैसे मैंने उसको नैपकिन निकाला तो सब, पहले तो आंखें खुल गई सबकी, और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा था, लेकिन मुझे एक चीज बताई गई थी, शेखर दुनिया को कुछ नहीं पता, जो तुम दिखा रहे हो ना वो सबको पता है। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, अंदर से कितना डर लग रहा है ना, बाहर से दिखना नहीं चाहिए, ये सबसे पहली चीज थी। और जब मैं वहां पे बैठ के, मैं क्लियर था, स्माइलिंग फेस, एनर्जी भरी पड़ी है, अंदर से बहुत घबराहट हो रही है। जिस सीट पे मैं बैठा हूँ मुझे पता है मैं उससे हिला रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सर ने बोला है कॉन्फिडेंस रहना है, स्माइलिंग रहनी चाहिए। डर लग रहा है, अंदर रहने दो, डर को अंदर रखो, बाकी वहीं से डेमो शुरू हुआ। मतलब ऐसा कुछ हमारे बीच में हुआ उस टाइम, और बस हो गया वो। और एट लास्ट वहां पे लोगों ने नैपकिन लिया, और स्टार्टिंग में मैंने, जब स्टार्टिंग के 10-12 जो मेरे डेमोस थे वो ऐसे ही हुए, कुछ ऐसा नहीं था उसमें परफेक्शन, हर जगह कुछ ना कुछ मिसिंग रहता था। और अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के एक प्रोसेस की, मेरे फादर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं ना कहीं लाइक नहीं करते, उनको इंटरेस्ट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जब मैंने शुरुआत की थी तो बिना घर के की थी, और जब उनको, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उनको बता दिया तो वो मना कर देंगे, कहीं ना कहीं एक फिर वो पुशबैक आएगा। राइट। और सेकेंडली जब मैंने स्टार्ट किया, और जैसे कि घर की बात है, कहते ना आप कितने दिन छिपा सकते हो, तो लोग तो बहुत ज्यादा छिपा सकते हैं। मुझे पता था कि मेरा पहले महीने में पोल खुलने वाली थी, तो पहले महीने में जब वो खुलने वाली थी तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मदर को सेट किया कि ऐसा काम है, आपका बेटा घूमेगा, सक्सेसफुल बनेगा, पैसे कमाएगा, आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी बने? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल। मैंने कहा पापा को समझा लो। तो कहीं ना कहीं एक इंडियन कल्चर है कि कहते ना एक लड़का जो है माँ के क्लोज होता है, और जो बेटी है वो फादर के क्लोज, ये थोड़ा कनेक्शन है। तो मैंने मदर को सेट किया, मदर ने रात को फादर को सेट किया, तो कहीं ना कहीं ये चला। और कहीं ना कहीं क्योंकि मदर कॉन्फिडेंट थी, हाँ हो जाएगा। और अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं ऐसा नहीं था, मैं बहुत शाय बंदा हूँ, आज भी हूँ। अगर मेरे साथ कोई न्यूट्रली कोई बात कर रहा है तो मैं बहुत हैपनिंग हूँ, बट मेरे को, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता।
और हाँ, अगर कंपनी की बात की जाए या कोई नोन है तब मैं थोड़ी बहुत बातें कर सकता हूँ, उसके अलावा नहीं। तो ऐसा मैं स्टार्टिंग से मेरा एक नेचर रहा है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आके बहुत सारी चीजें चेंजेस आए हैं इस लाइफ में। तो बात आती है कि अब ये फादर और मदर का स्टार्टिंग हो गया। पहले महीने की अगर मैं बात करूं, जब मैंने डेमोस किए थे स्टार्टिंग के, तो इतने खास नहीं हुए, कहीं एक नैपकिन जा रही है। नैपकिन का बहुत क्लियर था कि जहां जाता था लोग नैपकिन लेते थे, बट एक पुशबैक नहीं मिल रहा था। पहले 6 महीने में जब मैंने 400 डेमोन्स्ट्रेशन कर लिए, जिस घर में जाता था डर भी लगता था, और कॉन्फिडेंस मेरे को कहां से आया ना, पहले 10 डेमो में एक कॉल आई, एक दो कॉल मेरे पास एक ऐसी आई जहां पे एक मदर ने मेरे को थैंक यू बोला। उन्होंने बोला मेरी बेटी बहुत परेशान है, पिछले मतलब कहते ना अगर 30 दिन में से वो 15 दिन तो परेशान रहती है, अगर देखा जाए तो साल में 6 महीने वो परेशान रहती है इवेंचुअली। तो जब उन्होंने ये बात की कि तुम्हारे नैपकिन को यूज करके जो आपने दिखाया था, वो पहले महीने से वो जो प्रॉब्लम थी वो 5 दिन में ऑटोमेटिक हील होनी शुरू हो गई, जो राक्षस की प्रॉब्लम थी वो ठीक होनी शुरू हो गई। और 1, 2, 3, 4 जब ये केसेस मेरे पास आने लगे, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बट ये चीजें जैसी मेरे पास आती गई तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और अलग स्टेज पे चला गया। और वहीं से ये 400 डेमो करना आसान नहीं था, लेकिन मजेदार रहा मैं इतना बताता हूँ। और जब ये डेमो हुए तो 6 महीने बाद की अगर मैं बात करूं, तो जब 6 महीने बीते तो कहीं ना कहीं कहते ना, जब घर पे हम जाते थे सुबह अच्छे खासे निकलते थे, रात को थोड़े बहुत अभी गोरे लग रहे हैं तो रात को काले भी दिखते थे, तो ऐसा भी होता था तो बिल्कुल तो वो भी रहता था। और कहीं ना कहीं घर वालों को भी लगता था पता नहीं यार ये क्या कर रहा है, कर भी रहा है नहीं कर रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें। तो 6 महीने जब हो गए तो जो फादर थे जो पहले रख के बैठे हुए थे उनका और हैवी चल रहा था कि भैया 6 महीने हो गए बताओ क्या हुआ क्या हुआ राइट। और 6 महीने की अगर मैं बात करूं, मेरे साथ ऑलमोस्ट 10-12 लोग ही जुड़े थे, 10-12-15 लोग जुड़े थे, उससे ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे। नैपकिन के डेमो में 400 से ज्यादा दे चुका था। और उस टाइम पे जो मदर जो कॉन्फिडेंट थी उनका कॉन्फिडेंट लूज हो रहा था, कॉन्फिडेंस जा रहा था, क्योंकि 6 महीने हो गए थे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं जो देखा था वो सच है या जो हो रहा है वो सच है, क्योंकि जब देखा था उस स्टेज में वहां लोग बोलते थे कि लोग जुड़ते हैं, लोग आते हैं, ग्रोथ होती है, सक्सेस मिलती है, सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो देखा था क्या वो सच है या जो हो रहा है मेरे साथ ये सच है। ऐसा एक टाइम था जहां मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं दोस्तों के पास जाता तो शायद वो मेरा मजाक बनाते, और अगर मैं फादर को पूछता तो वो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करने नहीं देते। तो मैं एक ही चीज सबको बोलना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से कि हमेशा आप उसी से पहले सुनिए, आप जिस काम को कर रहे हैं अगर आपको उसकी बेस्ट नॉलेज चाहिए ना, तो उस इंडस्ट्री की बेस्ट पर्सन के साथ आप बैठिए, वो आपको उस इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज दे सकता है। मेरे साथ भी यही था कि मैंने उस टाइम पे मैंने पाल सर से बात की, मैंने उनको बताया, मैंने कहा मेरे को आपके साथ बैठना है और मुझे कुछ पूछना है, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो उन्होंने बुलाया, मतलब 6 महीने बाद प्रॉपर हम बैठे, तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बताया कि सर लोग नहीं जुड़ रहे, आप बताएं, सबका क्वेश्चन रहता है कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो सर ने एक बात बोली मुझे कि शेखर जब तू पहली बार आया था ना, जब तूने ज्वाइन किया था फ्रॉम द बिगनिंग, तेरे को बातें करना नहीं आता था, तेरे को बोलना नहीं आता था, तेरे को प्रेजेंट करना नहीं आता था, आज तुझे बोलना आता है। मैंने बोला हाँ बातें करना आ गया। वो कहते ये पहली स्टेज होती है मार्केटिंग में, लोग बात नहीं कर पाते, सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तूने 6 महीने में वो चीज को अच्छा, मतलब एक तो कहते हैं अच्छा, तूने उस चीज को परफेक्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, एक स्टेज है, ये सडन नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन पहले 6 महीने में तेरे को बातें करनी आ गई ना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने को लगा हाँ ये बात तो सही है कि बातें करने आ गया है, मैंने कहा लेकिन ये बताओ लोग नहीं जुड़ रहे, क्वेश्चन स्टिल अराइज होता है हर इंसान का, कहते ठीक है ये बात है लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे। उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली, उन्होंने बोला फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज, कहते हैं ना कुछ बदलना चाहते हो ना तो पहले सबसे पहले आप अपने आप को बदलना शुरू कीजिए। और अपने आप का मतलब सिर्फ कपड़े ही नहीं होता, अपना माइंडसेट होता है, अपना व्यवहार होता है, नेचर होता है, बोलना होता है, बहुत सारी बातें आती है। कि अगर आप जैसे थे और 6 महीने बाद 1 साल बाद भी अगर आप वैसे ही हो तो मैं कहता हूं आपकी सक्सेस नहीं हुई होगी। अगर आपके अंदर चेंजेस आए हैं, लोगों ने बोलना किया है कि यहाँ आप बदल गए हो, आप बढ़िया हो गए हो, तो मैं बता रहा हूं
आपकी सक्सेस जरूर हुई है, इसलिए लोग आपको बोल रहे हैं। तो वो बात जो है वो आज तक माइंड में है, और हमेशा मेरी एक ही चीज रहती है, हर प्रेजेंटेशन में कोशिश करता हूँ पहले से कई गुना मैं बेस्ट करूं, ताकि मैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से लोगों को दे सकूं। ये चीजें रही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, राइट राइट। और मुझे लगता है कि शेखर जी ने हमारे साथ बहुत खास कुछ टिप्स भी शेयर कर गए अपने एक्सपीरियंस को बताते बताते। आप लोगों को जो गौर करना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो ये एकदम स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट बता रहे हैं, इसमें कोई मिलावटी नहीं है, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस कर सकती हूँ शेखर जी, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने बोला 6 महीना 400 से भी ज्यादा इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके थे। However, जो joinings और जो progression इनको चाहिए था शायद वो नहीं मिल रहा है, right? However, वहां पे उन्होंने decide किया कि मुझे अब कुछ और भी tips चाहिए, या फिर ऐसे strategy बनाना चाहिए, और या ऐसे गुरु के साथ बैठ के बात करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ पे मैं improvement लेके आ सकता हूँ। But गौर करने वाली बात यह है, इन्होंने काम को छोड़ा नहीं था, ये दोबारा अपने गुरु के पास वापस गए, मिस्टर पाल के पास वापस गए, उनके साथ डिस्कस किया। मिस्टर पाल ने एग्जैक्टली जो एक गुरु का जो एक रोल होता है ना, एक मेंटोर का जो रोल होता है हमारी लाइफ में, उन्होंने वही निभाया। उन्होंने इनको बताया कि पहले का जो आपका वर्जन था और आज 6 महीने के बाद जो आपका वर्जन है, क्या वो सेम है? और इन्होंने बोला कि जी नहीं, मैं पहले से बेहतर हूँ, पहले से बेहतर तरीके से मैं बात कर सकता हूँ, पहले से बेहतर तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, और हर दिन मुझे कॉन्फिडेंस लेवल भी है, बिकॉज जो लोग मेरे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो वापस आ रहे हैं, बोल रहे कि हाँ जी हमें इससे फायदा हो रहा है, मोटिवेशन भी मिल रहा था, बट कहीं ना कहीं कुछ एक दो मिसिंग पॉइंट्स थे। तो शेखर जी आपसे आप ये पूछना चाहेंगे कि मिसिंग डॉट्स को आपने कैसे कनेक्ट किया उसके बाद? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में, तो जब सर ने मेरे को, जब मैंने स्टार्ट किया तो सर ने बोला था आपको डेमो करना है जी। और जितने डेमो कर सकते हो उतने डेमो करो अगर आपको पूरी दुनिया घूमनी है। तो वो बात मेरे को स्टार्टिंग में ही समझ आई, लेकिन जब हम बैठे थे तो उन्होंने बताया एक सेल्स, क्योंकि मार्केटिंग जो है एक सेल्स का प्रोसेस है, राइट? और बहुत लोग जो है सेल्स नहीं कर पाते। आप, उन्होंने मेरे को बोला जब तू इस प्रोसेस में आया था तो तेरे को सेलिंग करना आ गया, जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि बेचते कैसे, ये सीखना पड़ता है। और लोग सिखा सकते हैं लेकिन आपको करके ही वो चीज आएगी। exactly. आपको करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली, है ना? तो ये पहली चीज थी जो उन्होंने मुझे बताई। फिर जब मैं बैठा था तो उन्होंने दूसरी चीज मेरे को ये बोली, अभी तक तूने सेल सीखी, मास्टरी कर ली, अब इससे बिजनेस कैसे होगा, तेरे को ये करना है। तो अब तेरे को प्रेजेंटेशन देनी है, जितनी दे सकता है उतनी। और क्यों, जब मैं उस मार्केट में प्रेजेंटेशन के लिए गया, जब उन्होंने मेरे को ये बात पूरी हो गई हमारी, फिर सिर्फ प्रेजेंटेशन, स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन बड़ी खराब देता था मैं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं थी, ओपीपीस की आदत नहीं थी, सिर्फ डेमो 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 आता था। लेकिन जब प्रेजेंटेशन में आया तो थोड़ा स्टार्टिंग में ऑकवर्ड रहा बहुत जगह, कि मैं बता नहीं पाया, कुछ स्लाइड्स मिसिंग रही, बहुत फास्ट गया मैं। इवेंचुअली मेरे को याद है कि मैंने एक घर में मैं बैठा था, वो 2 बजे तक बैठे रहे मेरे साथ। हमारी मीटिंग शुरू हुई थी 11 बजे, 3 बजे तक मैंने वो मीटिंग की सुबह के, और वो एक्साइटेड थे, मैं भी एक्साइटेड था उस मीटिंग को लेके। तो ऐसी चीजें हुई, प्रेजेंटेशन में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की मैं देता था, लेकिन उन 4 घंटे से आज मुझे पता है कि अगर मेरे को किसी को प्रेजेंटेशन देनी है 30 मिनट्स ओनली, हम 30 मिनट्स में अपनी प्रेजेंटेशन को हम खत्म कर लेते। तो लाइफ वहीं से शुरू हुई, मेरा जो जीवन था, मैं कहता हूँ कि 6 महीने बाद टीएनएस में शुरू हुआ, कि वहां से जब काम शुरू हुआ तो कंपनी का ट्रिप उस टाइम पे लॉन्च ही हुआ था। तो जब ट्रिप लॉन्च हुआ तो मेरे साथ एक और चैलेंज आया। मैं यही बोल रहा हूँ, चैलेंज आएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपके पास चैलेंज नहीं आ रहा ना तो आपकी ग्रोथ बड़ी नहीं हो सकती। जितना बड़ा चैलेंज उतनी बड़ी सक्सेस, मैं ये मानता हूँ लाइफ में। तो आप चैलेंज को कॉल कीजिए हमेशा, कि चैलेंज आने चाहिए ताकि आपको पता हो कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब 6 महीने बीते, सर से हम बैठे, बातचीत हुई, सारी चीजें क्लियर हुई, तो उसके बाद हम मार्केट में फिर उतरे। और उस टाइम पे कंपनी का टूर चल रहा था और 3 महीने का टारगेट था कुछ, तो मैं उसके लिए मैं फाइट की। तो फाइट यही थी कि हमें पता था प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। मुझे याद है वो ट्रिप मेरा छूट गया था, बट ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो टारगेट था मैंने जो मिस किया ओनली 1.25 लाख से, और जब उसका जो चेक था वो मेरे पास था,
वो मैं कंपनी में सबमिट नहीं कर पाया उस लास्ट डेट में, क्योंकि बिल्कुल एंड ऑफ द क्लोजिंग था, वो मूवमेंट था मेरे लिए कि मुझे ऐसा लगा यार मैंने इतना जोर लगाया, 3 महीने पूरे दिन रात मैंने एक कर दी, क्योंकि मुझे पता था ये मौका है, इसको नहीं छोड़ना है। और वो मौका जाता हुआ दिखा बिल्कुल, ये समझ लो कहते ना कि मैं 12 बजे तक मैं वहां बैठा रहा कि कैसे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कि रात को मेरी क्लोजिंग हुई, बट वो था कि वो चेक की फॉर्म में था, वो डल नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा पहला टूर मिस हुआ। आप सोचिए एक लड़का जिसका टारगेट ही यही था घूमना, और जिसने पूरा जान लगा दी हो और ट्रिप में जान से उसके रह जाए, आप सोचिए। तो ये चीज मेरे साथ हुई है, और प्रैक्टिकली मैं सेट डाउन भी होता उस टाइम पे कि यार ये क्या हो गया, कि यार मैंने लूज कर लिया क्या। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक रात के बाद एक सुबह फिर आती है, जरूर आती है। अगले दिन जैसी एक और ट्रिप आया कंपनी का, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ट्रिप मैंने पहले 10 दिन में ही क्लियर कर लिया था। पहले 10 दिन में मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया था। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने 3 महीने मैंने इतनी मीटिंगें की थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी टीम हमने डेवलप कर ली थी उन 3 महीनों के अंदर, और पहले 10 दिन में मैंने अपना टूर क्वालिफाई किया था। और पहले साल कहते ना सपना पूरा करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, और बहुतों के तो हो भी नहीं पाते। मैं कहता हूँ मैंने पहले ही साल अपने सपनों को पूरा किया। मेरे पहला ट्रिप जो था मैंने पहले साल लिया, जो कि चाइना हेडक्वार्टर था, कंपनी का हेडक्वार्टर मैंने विजिट किया, और मैंने अकेले नहीं किया। मेरे पहले ट्रिप में मैं लगभग 24 लोगों की टीम के साथ गया था अपनी, और लगभग 750 लोग उस ट्रिप में गए थे इंडिया से। तो मुझे आज भी याद है वो बिगेस्ट फ्लोर आ इंडिया से, जो कि हमारे टाइम था। तो वो पहले साल में मैंने पहला ट्रिप अचीव किया, और अकेले नहीं, जिसमें 24 लोग थे, 2 लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी प्लेन में बैठे हुए थे, बाकी 22 लोग पहली बार बैठे थे, जिनमें से 18 फीमेल्स थी। तो ये चीजें रही ये पहले ट्रिप की, और मैं बताना चाहूंगा वो लाइफ चेंजिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि जब से ये ट्रिप शुरू हुआ तो मेरी फैमिली को प्राउड होना शुरू हो गया। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया मैं सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए आया था। स्टार्टिंग में मैं सेल्स पे था, तो मैं कम से कम 5,000 6,000 10,000 12,000 में कमा लेता था। और मैं आपको बताऊं, एक 19 साल के लिए 5,000 भी वो राजा होता है, कहते हैं ना 5,000 में भी वो राजा की जिंदगी जी सकता है, बिकॉज नो लाइबिलिटी नो टेंशन नथिंग। बट इस इंडस्ट्री में 11वां महीना था, 11th month, उस टाइम पे मेरा एक चेक आया 85,000 रुपीज का 11वें महीने का, और 12वें महीने का चेक था ऑलमोस्ट 1,22,000 रुपए का। कंग्रेचुलेशंस। और सबसे बड़ी चीज थी कि वो 85,000 रुपीज का जो चेक था ना, वो लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। क्योंकि वहां से मेरे मदर मेरे फादर को कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हो जाएगा, जो डाउट थे शायद लोगों के द्वारा डाले गए हों या कैसे भी, बट वो क्लियर हो गया उनको 11वें महीने। और उसके बाद टेल नाउ वो सब यही पूछते हैं अब कहाँ जा रहे हो, अब कहाँ जाना है। तो ये चीजें, और ऑलमोस्ट मुझे आज इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 7 ईयर मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। 7 साल की अगर मैं जर्नी की बात करूं, 7 साल में लगभग 16 कंट्रियों के टूर मैं ले चुका हूँ इस कंपनी से। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, कहते ना प्लेन में बैठना एक सपना था। लास्ट ईयर लगभग मैंने 40 फ्लाइट्स मैंने टेक ऑफ किए लास्ट ईयर, और इस बार भी टारगेट यही है, हर महीने ट्रैवलिंग चल रहा है। मतलब कहते ना कि प्लेन तो सपना होता था, अब तो ऐसा हो गया है कि नॉर्मली एयरपोर्ट, कई जगह तो एयरपोर्ट वाले भी पहचानने लग गए हैं। तो ये चीजें हैं। और अगर मैं पे आउट्स की बात करूं, मेरा जो दिसंबर, जो मेरा अभी दिसंबर गया है, 2022 जनवरी में हमने एक टारगेट सेट किया था अपने लिए कि 1 महीने का पे आउट लगभग 10 लाख रुपए का बनाना है। लोगों को लगा यार ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, या वैसी, क्योंकि हल्के लेते हैं ना लोग, कहते हैं यार यंग एज में ऐसे थोड़ी हो सकता है। जनवरी बीता, फरवरी बीता, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी टीम क्रिएट हुई दिसंबर 2022 की जब क्लोजिंग हुई। लगभग मेरा जो पे आउट था वो 10 तो नहीं बन पाया, लेकिन ऑलमोस्ट 9.5 पे वो टारगेट गया। लवली, कांग्रेचुलेशंस, लवली, अमेजिंग शिखर, अमेजिंग। तो ये चीजें थी। और लगभग अगर मैं बात करूं, पहले साल मेरा ट्रिप शुरू हुआ इस इंडस्ट्री से, दूसरे साल में कंपनी की रॉयल्टीज पे आ चुका था, जो कि मेरे को भी नहीं पता मैं कैसे पहुंचा। बस मुझे ये पता है कि हमने राइट देखा ना लेफ्ट देखा, हमारा फोकस क्लियर था, हम उसको करते गए, लोगों को क्वालिफाई कराते गए, लोगों की हेल्प करते गए, और वहीं से अपने टारगेट्स क्लियर हुए। तीसरे साल मेरे को याद है एक और चीज हुई, कहते ना मैंने जिंदगी में कभी साइकिल नहीं खरीदी,
कभी बाइक नहीं खरीदी, कभी स्कूटर नहीं खरीदा, लेकिन जब मैंने अपनी चीज खरीदी तो वो थी मेरी पहली गाड़ी जो कि 12.5 लाख की फोर्ड इको स्पोर्ट का टॉप मॉडल था। मैंने तीसरे ही साल इस कंपनी से मैंने अचीव किया था। तो रियल में बहुत ब्लेस्ड रहा। ब्लू कलर की वो गाड़ी है और उसके ऊपर भी एक कहानी है बहुत अलग कि कईयों लोगों ने मना किया कि छोटी गाड़ी लो, तुम छोटे हो, 21 साल के हो, क्या करोगे बड़ी गाड़ी चला के। तो हमने कहा नहीं, ये इंडस्ट्री ऐसी है ना जो सोच को बड़ा कर देती है, और जितनी आपकी बड़ी सोच होगी, जितने आपके बड़े सपने होंगे ना, वो उतनी जल्दी पूरे होंगे, लेकिन देखना पड़ेगा। तो ये चीजें थी जिससे आज बहुत, अगर मैं बात करूं आज मेरी फैमिली, आज मैं अगर मैं अपनी बात करूं, लाइफ टोटली चेंज हो गई है। और इसका श्रेय मैं देता हूँ सबसे पहले तो मिस्टर ली जिनयोन को, बिकॉज उनकी वजह से ये पाथ बन पाया। मैं कहता हूँ टीएंस तो एक ड्रीम है, ड्रीम कि अगर आप टीएंस में हैं तो आपको ड्रीमर बनना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं, कहते ना मंदिर की जो घंटी होती है, घंटी आपने देखी होगी, कहते उसको बजाना पड़ेगा, हाथ में लेके आप घूमोगे तो कुछ नहीं होगा। तो वो चीजें हैं। और कहीं ना कहीं मैं थैंक यू बोलूंगा पाल सर का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, और साथ ही साथ जो एजुकेशन, जो गाइडेंस, जो मेंटरशिप उनकी रही, जिसकी वजह से, क्योंकि एक अच्छा गुरु भी चाहिए लोगों को, रास्ता मिल सकता है कि अगर आपको यहाँ से बॉम्बे जाना होगा आपको वे मिल जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि गलती से आप सर्विस लाइन पे ना चले जाए ना, तो इसका जरूर ध्यान रखने के लिए आपको एक अच्छा मेंटर चाहिए। तो मैं रियल में थैंक यू करूंगा पाल सर का, जिनकी मेंटरशिप में, जिनकी एजुकेशन की वजह से हम हमेशा अगर सर्विस लाइन पे गए है ना तो वापस से हमने ट्रैक पकड़ा है, क्योंकि ये चीजें हैं। और रियल में मैं थैंक यू करूंगा मेरी ऑल द टीम और ऑल डायमंड लीडर्स, आप सभी का, बिकॉज रॉयल्टी एक ऐसा लेवल है ना जो मजबूर कर देगा कि हर किसी को थैंक यू बोलने का, क्योंकि ये सिस्टम है सॉरी एंड थैंक यू का। यू शुड बी सॉरी, यू शुड बी थैंकफुल, क्योंकि जितना आप थैंक यू करेंगे, जो आप करेंगे वही आपको मिलेगा। तो रियल में मैं थैंक यू बोलूंगा एवरीवन, सभी का, और बहुत मजा आ रहा है। और अभी बहुत सारी चीजें, अगर मैं आगे की बात करूं, 2023 चल रहा है, 2025 की प्लानिंग है मेरी, राइट। तो अभी ऑलमोस्ट 2023 और 24 तक हम अपने घर को डेवलप कर चुके हैं अपने नाम का, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा है गाड़ी का, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब आप एक स्टेप रखते हैं, दूसरा स्टेप रखते हैं सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं सपने और बड़े होते हैं। मेरी पहली गाड़ी थी फोर्ड इको स्पोर्ट, मेरी दूसरी गाड़ी होगी बीएमडब्ल्यू, उससे नीचे नहीं आएगी, और ये पक्का है कि वो मैं लेने वाला हूं। और ऑलमोस्ट अगर इनकम की बात करूं, 10 लाख का स्लैब तो कंप्लीट कर लिया है, अब 20 की बारी है, तो इस साल हम क्लोजिंग करेंगे 20 से, ये पक्का है। और अभी गोल्ड लॉयन का बहुत नियर बाय है, गोल्ड लॉयन में बनने वाला हूं। और मेरे को कहते ना, ये आप रैंक अचीव कीजिए, लेकिन रैंक के पीछे टैग अचीव कीजिए, फास्टेस्ट, यंगेस्ट, जरूरी है। तो रियल में बहुत मजा आया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ग्रेट 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 शेखर जी, इन्होंने हमारे साथ इतना सब कुछ एकदम जेन्युइनिटी के साथ इन्होंने शेयर किया। क्या आपने ये सुना, इन्होंने बोला इन्होंने 3 महीना काम किया अपने वो पहला जो इनका ड्रीम था, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में ये आए थे शायद कि मुझे फॉरेन ट्रिप करना है, वो उनका ड्राइविंग फोर्स था, राइट शेखर? और फिर 3 महीना जी जान इन्होंने लगाया, उसके बाद इनका जो पहला ट्रिप का जो मौका था वो छूट गया, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इन्होंने बिजनेस क्लोज तो किया था, बट वो बिजनेस वो रजिस्टर नहीं हो पाया कंपनी के अंदर, तो इनका जो ट्रिप था वो छूट गया। 3 महीना इन्होंने काम किया फिर छूट गया। अब बताओ ये ऐसा किसी के साथ अगर होगा तो वो पहला चीज जो होगा, यार नहीं होगा मेरे से, मैं टूट गई हूँ या टूट गया हूँ, इसके आगे तो मुझे नहीं करना है ना। बट इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को सही ट्रैक में वापस लाए। और देखो कहते हैं ना कि जो अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। अगले ही दिन फिर ट्रिप आ गया, ट्रिप नया ट्रिप अनाउंस हुआ जो कि इन्होंने सिर्फ 10 दिन के अंदर क्वालिफाई किया। और बहुत अच्छी चीज इन्होंने बताई, ये जो 3 महीना इन्होंने जी जो जी तोड़ लगा के इन्होंने काम किया था ना, उसके वजह से एक प्लेटफॉर्म बन गया था, एक सस्टेनेबल बिजनेस बन गया था, जिसके ऊपर बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग और बिजनेस का प्रोग्रेशन इनके लिए आगे का रास्ता बहुत स्मूथ होता गया। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट परफेक्ट करियर पाथ। तो शेखर आपको क्या लगता है, जो हमारे इतने सारे जो यंग बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई खत्म कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मेक अ करियर, डू यू थिंक
आवर कंपनी इज द प्लेटफॉर्म जो कि एक एक यंगस्टर को एक ड्रीम करियर दे सकता है. व्हाट इज योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है? इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि अभी अगर मैं बात करूं मार्केट की, कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेज कर रहा है जो सबको पता है, और इवेंचुअली कंपटीशन बहुत टफ है. मार्केट में आप जाओगे तो मार्केट में सबसे पहली चीज है सक्सेस का मतलब ही नहीं है. मार्केट में वहां आपको कोई बताएगा नहीं कि सक्सेस वर्ड ही क्या होता है, क्या है. और दूसरी चीज है कि आज कहीं ना कहीं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आज रेसेस हैं, लोग दबा मतलब वहां पे ग्रोथ के लिए नहीं, लोग दबा के आगे बढ़ना चाहते हैं. और अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग की, ये टोटली मैं कहता हूँ मार्केट से उल्टा प्लेटफॉर्म है. मार्केट में आपको दबा के यहाँ चढ़ा के पर कितना है, वहां दबाएंगे लोग, यहाँ चढ़ाएंगे लोग. यहाँ पे लोग आपको मोटिवेट करेंगे, लोग आपको आगे पुश करेंगे, और लोग पुश करेंगे फॉर योर सक्सेस. और मार्केट में अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली चीज है एजुकेशन बहुत हाई होगी है. मैं मेरे को याद है कि शायद मुझसे भी पहले की बात है कि एमबीए एक वर्ड होता था कि लोगों को पता चलता था ना किसी घर में किसी ने एमबीए किया है, वो कहते ना लोग फूल लेके आ जाते थे, लोग माला लेके आ जाते थे. मतलब वो एक उसका एक क्राइटेरिया मैं कहता हूँ कि उसका एक उस टाइम की एक वैल्यू थी. बट राइट नाउ अगर मैं बात करूं एमबीए मेरे को ऐसा लगता है घूम रहे. आज इंजीनियर की बात करूं तो वो भी घूम रहे हैं. मतलब कोई भी एक ऐसी डिग्री नहीं बची जहां पे वो रिस्पेक्टफुल रहे. रिस्पेक्टफुल है बट उसका कोई यूज नहीं आ रहा है. लोग अच्छी अच्छी डिग्री लेके लोग आज कुछ नहीं कर पा रहे, जो सबसे बड़ी चीज है. तो मैं इतना बोलता हूं अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, मुझे ये पता है कि सबसे पहली चीज है इस इंडस्ट्री के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इस इंडस्ट्री के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, इस इंडस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि आपके सपने होने चाहिए और आपकी कोई एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए एज पर इंडियन गवर्नमेंट, कि आपकी एज जो है 18 साल होनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. मैं कहता हूँ चाहे आप, मैं कहता हूँ कैसा भी होगा ना इंसान वो कर जाएगा. क्योंकि जब एक 19 साल का लड़का कर सकता है, जब एक फीमेल एक हाउसवाइफ यहाँ पे अपने आप की लाइफ चेंज कर सकती है, एक प्रोफेसर लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं. तो मैं कहता हूँ ये इंडस्ट्री सबके लिए बनी हुई है, सिर्फ हमें सेलेक्ट करना है. और करियर वाइज मैं बात करूंगा जो यहाँ की ग्रोथ है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं कहता हूँ हर हर एक सेंचुरी अगर आप देखें तो हमारे जो हमारा एक लाइफ है वो अलग है, आने वाली जो फ्यूचर लोग होंगे वो अलग है, डिजिटल हो रहा है. क्योंकि मेरे को याद है कि आज से 10 साल पहले व्हाट्सएप भी इतना नहीं चलता था, लोगों को कॉल करने के लिए सोचना पड़ता था, लोगों को मतलब वो फीचर्स नहीं थे, वो एप्स नहीं थी, वो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी. बट राइट नाउ हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग को लेके हमारे पास आज हम घर में बैठे बैठे हम वीडियो, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, हम एक ही बारे में ये जो बात कर पा रहे हैं ना, ये भी शायद 10 साल पहले लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कभी पॉसिबल होगा. तो आज हम टेक्नोलॉजी देखें तो उसमें भी बहुत ग्रोथ है, और साथ साथ अगर इसको हम डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दे तो मैं कहता हूँ एक्सप्लोजिव बनता है ये एक्सप्लोजिव. तो रियल में आज ये करियर है सबके लिए है, सिर्फ यही है कि यहाँ पे लोगों को आना चाहिए. आज डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहा है, बहुत सारे लोग आज कनेक्ट कर रहे हैं. एक टाइम था जब इसकी वैल्यू लोग नहीं समझ पाए थे, बिल्कुल ना समझ पाए थे, और कहीं ना कहीं आज लोगों को पता है. क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एक होता है एजुकेशन होना, एक होता है आधी एजुकेशन जो खतरनाक रहती है. क्योंकि मैक्सिमम घरों में एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, वहां आधी एजुकेशन चली जाती है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ का डायरेक्ट सेलिंग को लेके. लेकिन जहां पे मुझे लगता है एक एजुकेटेड एक बढ़िया नॉलेजेबल अगर पर्सन अगर जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी नॉलेज लेके अपनी हमारी कंपनी को लेके, तो मैं कहता हूँ वहां पे उसको नो नहीं मिल सकती, वहां उसको येस के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ. तो ये रहा है, और इवेंचुअली अभी मुझे याद है कि हमारे प्लान में ब्रोंज सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम कार्ड्स हैं, तो बहुत टफ होता है. लोग कहते हैं सर गोल्ड करना इज टफ, लोग कहते हैं प्लैटिनम करना इज टफ. मैं कहता हूं कि मेरी टीम में मैक्सिमम गोल्ड एंड प्लैटिनम की एंट्रीज रहती हैं, ब्रोंज और सिल्वर तो बहुत रेयर होते हैं. क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों का वाई फोकस उनका क्लियर करते हैं कि उनको करना क्या है. क्योंकि बिजनेस की बात तो मैं क्लियर कहता हूं, कहते हैं 10-12-20 हजार से बिजनेस नहीं होता है, दुनिया का बड़ा बिजनेस. क्योंकि अगर लगना चाहिए ना इंसान को यार वो बिजनेस कर रहा है, कब लगेगा, जब उसने अच्छी इन्वेस्टमेंट की होगी, अच्छे प्रोडक्ट्स उसने खरीदे होंगे तो उसकी वैल्यू करेगा.
अगर वो वैल्यू नहीं कर पा रहा तो वो बिजनेस भी प्रॉपर नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट है जो हम स्टार्टिंग से हम बनाते हैं, सिखा रहे हैं हम टीम में, ताकि लोग ग्रोथ करें, बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करें। तो 100% है, डेफिनेटली है, लोग कमाते हैं। मैंने देखा है अभी बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड, जो एक स्टार बनने में मुझे लग रहा था कि साल डेढ़ साल लोगों को लगता है, आज वही एक स्टार जो है 8 महीने 7 महीने 6 महीने में हमारी टीम में आ रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये हो सकता है तो पता नहीं आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ हम लेंगे और इंडियन मार्केट को हम लीड करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया विल बी द नंबर वन और ये 100% होगा, हम करके रहेंगे। वाओ, लवली लवली लवली। तो शेखर जी ने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ इन्होंने बताया जो कि सही ट्रैक में एक इंसान को रहने में मदद करती है। एंड इनका ये मानना है कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग को एक दिशा, एक डायरेक्शन मिल चुकी है हमारे इस पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। एंड डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई कि यहाँ पे आपको शुरू करने से पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 18 साल के ऊपर एज वाले होने चाहिए एंड यू शुड हैव अ डिजायर एंड अ ड्रीम जो कि आपके अंदर वो फायर पैदा करेगी कि भाई मुझे जाना है और करना है। आपका जो विजन, आपका जो वाई, इन्होंने बार बार एक चीज बताया कि मेरे अंदर मेरा वो रीजन क्लियर था, मेरा वाई क्लियर था कि मुझे करना क्यों करना है फॉरेन ट्रिप। फॉरेन ट्रिप तो पहला रीजन था जो कि इनको यहाँ पे खींच के लेके आया और यहाँ पे इनको सस्टेन करने में मदद करी। उसके बाद फिर ये पैसे बनाते गए, इसके बाद घर का सपना भी इन्होंने पूरा किया, अपने पेरेंट्स को इन्होंने प्राउड फील करवाया। देखिए एक बच्चे के लिए ये भी एक बहुत एक इम्पोर्टेंट फीलिंग होती है। शेखर आपका फील कैसा हुआ था जब आपने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो वाकई एकदम खुश है आपकी कामयाबी से भी, वो दे वर लाइक वेरी हैप्पी एंड दे वर लाइक प्राउड पेरेंट्स, उनके उनकी क्या फीलिंग थी और उस फीलिंग से आपको क्या फील हुआ? बिल्कुल है, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आई रियली थैंकफुल टू माय पेरेंट्स टू, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में चैलेंजेस थे बट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट उनका रहा हर चीजों को देख के, हर जगह। कईयों जगह होता है कि मैं नहीं जा पाता तो वो कहीं ना कहीं वो पहुंचते हैं और हर चीज। मैं कहता हूं कि अगर पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया होता आगे भी तो शायद मेरे लिए ये जर्नी जो होती है और टफ हो जाती। तो कहीं ना कहीं मेरी मदर का बहुत अच्छा रोल है, मैं बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हर बारी उन्होंने सपोर्ट किया है, हर चीजों को देख के, हर चैलेंजेस को देख के। बहुत ऐसा टाइम भी आया है कि कहीं ना कहीं मैं डाउन भी हूं, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा अप रहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे से पुश किया है कि कोई इशू नहीं है, हम खड़े हैं, तुम्हारे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द सपोर्ट यू शुड, मैं कहता हूँ कि आपको पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उनके साथ कनेक्ट रहना चाहिए। जितना आप कम्युनिकेशन अपने फैमिली से अच्छा करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा उनका और बिल्कुल कहते हैं इसमें तो डाउट ही नहीं है कि कहीं ना कहीं। शेखर जी एक बात है, वो जो 85,000 का पहला चेक आपने अभी भी शेयर किया था हमारे साथ, अब जब वो 85,000 का फर्स्ट चेक आपने अपने मम्मी के साथ शेयर किया, उनका क्या फीलिंग रही होगी, क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? वो फीलिंग तो ऐसी थी कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि अकाउंट मेरा है कि नहीं है। और मुझे याद है कि कम से कम शायद मैं वैसे नहीं खोलता था अपना अकाउंट इतना, बट उस मतलब जब वो पे आउट आया वो 3 दिन मेरे ऐसे गए कि रात को मैं 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार मैं अकाउंट को चेक कर रहा हूँ कि मेरा ही अकाउंट है, मेरे अकाउंट में आया यार, अच्छा इतने पड़े हैं, अगर उसमें से मैंने कुछ निकाला है, अगर उसमें 500 रुपए भी मैंने कहीं खर्च किए तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अच्छा 500 ही कटे हैं, मतलब वो सारी चीजें रही उस दौरान। और बिल्कुल तो वो था और कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत प्राउड करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें उनको लगी नहीं थी, उनको लगता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग टफ है, ये बोलने का काम है और इसमें आसानी से पैसा नहीं आता है। और कहीं ना कहीं उनको ये था कि हमारा बच्चा गलत ट्रैक पे ना चला जाए। एक होता ना माँ बाप का ये नहीं है कि वो करने नहीं देंगे, सिर्फ उनकी फिकर जो है कि जो बेटा है या बच्चा है वो गलत ट्रैक पे ना चला जाए। लेकिन वो जो पे आउट था वो उस ट्रैक को शो करने का था, जब उन्होंने देखा तो उनको समझ आ गई अब ये उड़ान भर चुका है, कहते ना वो फ्लाइट ने टेक ऑफ ले लिए। तो रियल में उस टाइम के बाद तो कहानी चेंज हुई और उनको समझ आ गया कि अब ये उड़ चुका है, अब ये उड़ेगा। तो बिल्कुल है,
आई थिंक इन्होंने फिर से एक 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 दिल को छू जाने वाली बात इन्होंने बताया कि मैं बार बार चेक कर रहा था कि भाई मेरा अकाउंट है ना, वो 85,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं ना, वो पैसा है ना, रियल में आए हैं ना। तो देखो ये वो वाली फीलिंग होती है जब आप पहली बार कुछ बड़ा कुछ अचीव करते हो और फिर बार बार छू के देखना पड़ता है ये है ना, सही है ना, रियल है ना। आप में से कितने लोगों ने इस चीज को फील किया है? देखो ये जो बता रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो इन्होंने जिया है, इन्होंने ये भी बताया इट वाज नॉट इजी एट ऑल, ये बिल्कुल आसान नहीं था। और ये भी बताया कि ये ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मोटिवेटेड एंड एकदम अपलिफ्टेड रहते हैं, हमारे हमारे लिए भी डिमोटिवेशन आते हैं, हमें भी लगता है कि यार एकदम से हम डाउन हो गए हैं। उस टाइम पे फैमिली एक सपोर्ट होती है, फैमिली का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके साथ खड़ी रहती है। तो शिखर ये भी बताएं, जब आपको लगता है कि अब बस है वाला मोमेंट को कैसे आप ओवरकम करते हो? जब भी ऐसे टाइम आए हैं तो मेरा थोड़ा सा एक ऐसा भी नेचर रहा है कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए कहते बोलना नहीं है, कहते ना शांति रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम आएगी उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको शांत रहना होगा। कुछ टाइम शांत रहिए कोई ना कोई, क्योंकि भगवान अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो सॉल्यूशन भी देगा, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पेशेंस जो है बेस्ट पावर है, मैं कहता हूँ ऐसे टाइम में कि आपको लग रहा है आपका काम नहीं हो पा रहा, आपको लग रहा है लोग नहीं जुड़ रहे, आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें होती है, पर्सनल टेंशन भी होती है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पेशेंस, सब शांति बनाए रखें कुछ, क्योंकि उस टाइम पे ही आपकी एक अच्छी तस्वीर जो होती है ना वो खराब हो सकती है, और उसी टाइम पे एक तस्वीर जो है वो एक अच्छी अच्छी बन सकती है, वो आपके हाथ में रहता है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। तो हमेशा मेरी लाइफ में जब भी चैलेंज आया है हमेशा मैंने पेशेंस रखा है, कि मुझे ये पता है, मुझे सिखाया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, कहते हैं सिर्फ आपका आपका जो माइंडसेट है उस प्रॉब्लम को बड़ा कर देता है, अगर आप उसमें पेशेंस रखोगे तो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी और आपका माइंडसेट बड़ा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं सीखते हैं डेली लर्निंग्स में, और इसी को हम अप्लाई करते हैं। बिल्कुल एकदम लवली। सो जो इन्होंने सीखा है, इनकी जो लर्निंग है, एंड आई एम श्योर हम में से हर कोई इस चीज को आज यहाँ से लर्निंग के तौर पे लेके जाएंगे कि आपको पेशेंट, आपको शांत रहना है, आपको चीजों को समझना है, चीजों को अब्सॉर्ब करना है और रिएक्शन बाद में देना है। और बहुत मतलब इतने कम छोटे से एज में इन्होंने जो कहा, आई थिंक इट इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा दैट एक आपका एक सोच, एक मोमेंट का मोमेंट्री जो आपका एक सोच है वो आपके इमेज को बहुत अच्छा भी बना सकता है, और वही सोच या फिर आपका जो एक्शन है उस मोमेंट पे वो आपके इमेज को बिगाड़ भी सकता है। आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने अपने आप को एक मकाम पे लेके जाना है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने हैं, अपने इमेज को बनाए रखने हैं, करेक्ट। तो इसके लिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि शेखर जी ने अभी अभी हमारे साथ शेयर किया। सो शेखर जी ये एक ऐसा मैसेज जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट सभी दर्शकों को देना चाहेंगे, जो इनको इनके बिजनेस को बढ़ाने में प्रोग्रेशन में मदद कर सके। बिल्कुल मैम, मैसेज के तौर पे अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। कि अगर आप उस चीजों को डालेंगे तो मेरे को पता है 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और इसमें सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन, सबसे पहला मैं बोलता हूँ कि कम्युनिकेट कीजिए आप हमेशा, चाहे वो आपकी अपलाइन है या आपकी टीम है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का ना होना। बहुत लोग सोचते हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, पता चलता है कि अगर डाउन में है, अगर आपके अपलाइन को लोग समझते हैं कि यार नहीं यार वही कॉल करेंगे। मैं ये बोलता हूँ जो जिसको कॉल कर रहा है ना, यानी कि उसका बिजनेस है। अगर अपलाइन डाउनलाइन को कॉल कर रहा है, यानी कि अपलाइन का बिजनेस है, डाउनलाइन का नहीं है। अगर डाउनलाइन कॉल कर रहा है तो डाउनलाइन बिजनेस कर रहा है। तो अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन मानते हैं ना, तो यू शुड कॉल, क्योंकि आपको पहले कॉल करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा सभी से। सेकंड चीज है ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट टू योर अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, एवरीवन, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और कभी भी, क्योंकि कहते हैं ना हमारा एक सिंपल है यस मैम यस सर, अगर आप अपने अपलाइन को यस मैम और यस सर कर रहे हैं ना,
तो मैं कहता हूँ आपकी जो फ्लाइट है वो बहुत जल्दी टेक ऑफ होने वाली है, आप बहुत जल्दी उड़ने वाले हो, लेकिन अगर आप इफ एंड बट लगा देंगे ना तो मैं कहता हूँ अभी प्रॉब्लम है, कि क्योंकि कहते हैं ना प्लेन को चलने में रनवे, एक जब वो प्लेन चलता है तो रनवे चाहिए, तो स्मूथ चाहिए, लेकिन अगर आपने इफ एंड बट लगा दिया बीच में तो टाइम लग सकता है उसको टेक ऑफ होने में, तो अपने इफ एंड बट को आप साइड रखिए और यस सर यस मैम जो अपनी अपलाइन को कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली उनकी सक्सेस उनके हाथ में है। और तीसरी चीज अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ऑलवेज कहते हैं ना कि नो ईगो, कभी भी ईगो मत रखो किसी से भी, कहते हैं ना चाहे कोई भी है, क्योंकि कहते हैं ना ईगो की अगर मैं बात करूं आज सभी को पता है कि रामायण सबने पढ़ी है, कहते हैं ना एक अच्छे एजुकेटेड नॉलेजेबल, कहते हैं ना जब रावण जी आप सोचिए ना जो 100 कला संपूर्ण थे, सारी पावर थी, सारी चीजें थी, भगवान भी उनके आगे, मतलब आप देखिए ना कि भगवान भी नहीं बोल पाते, आप सोचिए सिर्फ उनके पास एक चीज जो थी वो एक्स्ट्रा होगी जिसको बोलते हैं ईगो, और आप सोचिए क्या हुआ। तो सिंपल है, आप अपनी ईगो को साइड रखिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सिर्फ आप करते जाइए, सपने बड़े देखिए एंड गो, बस मैं इतना बोलता हूँ, रुकना नहीं है, देखना नहीं है क्या हो रहा है, जस्ट गो, काम करते रहना है, प्रैक्टिस पे रहना है एंड एक्शंस लेने हैं। एम आई करेक्ट शेखर जी? यस यस, एक्शंस लेने हैं आपने, और बहुत इम्पोर्टेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक यंग सर ने हमारे साथ ये शेयर किया दैट आपको हमेशा रेस्पेक्टफुल रहना है, बिकॉज ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है, हम लोगों के साथ डील करते हैं, और हर किसी का जो नीड है, हर किसी का बिहेवियर अलग हो सकता है, बट कभी भी ये जो रिस्पेक्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है ना उसको नहीं छोड़ना है, उसको उससे बाहर नहीं आना है। अगर ऑडियंस, अगर आपने अपने अपलाइन को अपना गुरु माना है, अगर आपने उनको अपना मेंटोर माना है, वो जो भी आपको बता रहे हैं आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है, करेक्ट? यस मैम, यस। सो आपने अगर उनको गुरु माना है तो जो भी आपको, जो जिस राह पे आपको जाने के लिए बोल रहे हैं, जो करने के लिए बोल रहे हैं, अगर आपने उसको फॉलो किया तो योर फ्लाइट इज गोइंग टू टेक ऑफ वेरी सून, एज शेखर जी जस्ट शेयर्ड विद अस। यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं जो कि शेखर जी को सुन रहे हैं, लगभग प्लस माइनस जिनको मैं देख पा रही हूँ मेरे इस पैनल के अंदर, आप में से बहुत सारे लोग लगभग एक ही एज ब्रैकेट के होंगे, और ये वो समय है जहां पे आप सोच रहे होंगे कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे आगे अपने करियर को कैसे बनाना है। अगर आप सुन पा रहे हैं शेखर जी का मैसेज, अगर आप सुन पा रहे हैं इनकी जो स्टोरी है, अगर आपने सुना है कि इन्होंने चांस के साथ इस प्लेटफॉर्म में 19 इयर्स के एज में अपने आप को एक बिजनेस मैन, एक यंग एंटरप्रेन्योर के हिसाब से इन्होंने एस्टैब्लिश किया है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आसान नहीं था, या आसान बिल्कुल नहीं था। यस, आप सोच सकते हैं एक सैनिटरी पैड लेके इन्होंने अपना डेमो शुरू किया, 6 मंथ्स, 400 से भी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन। डू यू थिंक इट्स इजी? हर दिन घर से निकलना, हर दिन एक सैनिटरी पैड लेके जाना, हर दिन एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करना जो कि काफी सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, राइट? फॉरेन ट्रिप अचीव करना, 85,000 रुपीज का पहला चेक ले जाके अपने मम्मी का, इनकी मम्मी ने जो इनके ऊपर जो भरोसा रखा था उस भरोसे को ऑनर करते हुए उनके पास वापस जाना, मम्मी ने जो पापा के साथ, इनके पापा के साथ जो फाइट किया था और उनको मनाया था कि नहीं इनको करने दो, या वो सारा चीज एक फुल सर्कल बनता है, वो सारा चीज लेके फुल सर्कल बनता है। तो अगर आप में से किसी को भी, किसी के मन में भी थोड़ा सा भी अगर शक है, थोड़ा सा भी अगर डाउट है कि मुझे क्या करना है, मैं आप लोगों को वैलिडेट करना चाहूंगी, दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ये वो प्लेटफॉर्म है, चांस का वो स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना करियर आज स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं जो भी हमने लर्निंग ली है अभी अभी, और आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जी हाँ, यू कैन ऑल्सो फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स इन दिस प्लेटफॉर्म विद चांस। So with that, Shekhar ji, what is that one secret of your success, जो आप हम सब के साथ पैनल में प्रेजेंट सबको, जो भी आपसे सुन रहे हैं,
ये क्या एक वो सक्सेस मंत्र है जो आप इनको देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, नेवर लूज होप्स, वर्क हार्ड, करते जाइए जब तक होता नहीं है, रुकना नहीं है, करते जाइए। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ड्रिल करेंगे ना, सबको पता है अगर गड्ढा किया जाए ना आज कहीं भी, तो पानी जरूर निकलेगा। ये हो सकती है गहराई बढ़ जाए, लेकिन पानी जरूर निकलेगा। तो इतना ही मैं बोलता हूँ, वर्क हार्ड, करते जाइए, और अच्छी मेंटरशिप के साथ आप काम कीजिए, उनकी सुनिए, उनकी समझिए जैसे वो बता रहे हैं। सिर्फ गो ऑन और कुछ नहीं। सिर्फ वो कहते ना कि आपने राइट नहीं देखना, आपने लेफ्ट नहीं देखना, आपने स्ट्रेट देखना है। अगर आपको स्पीड में जाना है, आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, आपको सीधा जाना है, यू शुड सी स्ट्रेट। आपको पीछे नहीं देखना। बहुत लोग होते हैं जो पीछे देख देख के चलते हैं, तो वो आगे जल्दी नहीं जा पाते। तो ना राइट ना लेफ्ट, ओनली स्ट्रेट, राइट। लवली मैसेज वाइशेखर। आई थिंक आई एम आल्सो, आई एम इक्वली इंस्पायर्ड शेखर, विथ योर एनर्जी, विथ योर जेन्युइनिटी, एंड विथ योर आई वुड से द पैशन। आपका जो पैशन है वो, आई वाज लुकिंग फॉर द वर्ड, यू नो, ये जो पैशन है आपके काम के प्रति, जो आपका पैशन है, वही शायद आपको ये काम के साथ जोड़ के रखता है। आई थिंक ये एकदम बिल्कुल जो बोल रहे हैं वही ये करते हैं। आपको ना सीधा ना राइट देखना है, ना लेफ्ट देखना है, आपको सिर्फ सीधा देखना है, मेंटर का सुनना है, और अपने आप के अंदर वो फायर को जलाए रखना है जो कि आपको आगे जाने में मदद करेगी, राइट। सो यहाँ पे जितने भी लोग आपने सुना, आज शेखर जी को सुना, मिस्टर शेखर गौरा, हु इज नाउ, शेखर आप अभी कितने एज के हैं? राइट नाउ आई एम रनिंग 27। ओह माय गॉड, इन्होंने 19 साल में स्टार्ट किया था। और शेखर 19 से लेके ये जो 27 साल का जो ये जर्नी है, इसमें आपने कितने फॉरेन ट्रिप लगभग ले लिए है इतिहास से? ऑलमोस्ट 16। वाह, और ये एक एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगा, जो मेरा लास्ट टूर था, दैट इज इन इंडोनेशिया, जकार्ता। और ये मेरी क्योंकि मैंने मेरा सेकेंड जो करियर का ट्रिप था, दैट इज इन बाली। मैं इंडोनेशिया था, बाली में था, वहां पे ऑलमोस्ट 10,000 लोग वहां पे थे उस प्रोग्राम में। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि दिसंबर के अंदर 15,000 लोगों के बीच में उस स्टेज में खड़े होना, मतलब ये कहते हैं ना कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी जो मैंने वहां फील की जकार्ता में जाके। तो रियल में बहुत मजा आया, और जिस तरीके से जो प्यार, जो लव एंड जो रिस्पेक्ट जो वहां मिली, मैं कहता हूँ मार्वलस। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री ना होती तो हम क्या होते, शायद ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते जो हम आज एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। ये हम शायद अगर इस इंडस्ट्री में नहीं आए होते तो हम ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ये जो किंग साइज लाइफस्टाइल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपने सोचा है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप इसको यहाँ से बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और आपने सुना कि ये जो जर्नी है, इस जर्नी में इन्होंने 16, जी हाँ 16 फॉरेन ट्रिप्स इन्होंने अचीव किया है। इन्होंने गाड़ियां अचीव की, अपने ड्रीम कार्स को इन्होंने अचीव किया है इस प्लेटफॉर्म से, और ये आगे चल के और भी जिंदगियों को बदल रहे हैं। क्या आप अपने आप के साथ और भी लोगों का, उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर, उनको मदद कर रहे हैं, उनकी 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 जो रिस्पेक्टिव ड्रीम्स है उसको फुलफिल करने के लिए? बिल्कुल। और कहते हैं ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सपने मैंने देखे थे टूर के, लेकिन जब पहला ट्रिप हुआ तो अकेले नहीं गया, 24 लोगों को साथ लेके गया। और इवेंचुअली हर ट्रिप में ऑलमोस्ट हमारी टीम से 20 लोग 30 लोग जरूर होते हर ट्रिप में। और कहीं ना कहीं आज लगता है कि बहुत, स्टार्टिंग में सिर्फ नैपकिन ही था कि हाँ नैपकिन को लेके अच्छा हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे पता है हम हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी एक इंसान की जिंदगी को हम बदल पा रहे हैं। तो रियल में ये हमारे पास पावर मिली है। लोगों के पास पावर होती नहीं, वो पावर ढूंढते हैं। हमारे पास, हमारे हाथ में पावर है, जिसकी जिस पावर को हम यूज करके आज हमारे साथ काफी सारे लोग, काफी सारी टीम जो बनी है, जिन्होंने एक, मैं कहता हूँ ना, एक हाउस वाइफ सोचिए बिजनेस वुमन बनना, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, आज वो बिजनेस वुमन बन चुकी है। आज वो भी 1-2 लाख रुपए महीने का वो कमा रही है। रियल में ये पावर हमें मिली है जिसका यूज हमने किया, और कहीं ना कहीं आज कहते हैं ना, एक जरिया हमें बनाया गया कि आज हम लोगों के घर पे उनकी लाइफ को बदल पा रहे हैं।
एकदम, दिस इज अ नोबल कॉज, जहां पे सिर्फ आप अपने ही नहीं अपने साथ वालों का भी लाइफ और लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें भी हेल्थ और वेल्थ की जो गिफ्ट है वो आप उन्हें भी दिला सकते हैं. तो विद दैट वी विल साइन ऑफ फ्रॉम द शो टुडे. थैंक यू वेरी मच शेखर फॉर शेयरिंग विद अस द सक्सेस, द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस and the journey so far that you have experienced. All of us in this platform would like to wish you all the best for your next level and grow and go to the next level with all your dreams being fulfilled with all the set of new people and bring new people like you. आपके जैसे नए लोगों को लेके आइए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए हमारे यंग एंटरप्रेन्योर शिप का जो ये हमारा ड्राइव है, इसको हमने साथ मिलके और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, लोगों को सक्सेसफुल करना है, साथ में मिलके चैंस इंडिया को नंबर वन बनाना है. यस एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू, बिल्कुल. और मैं यही बोलूंगा, बेटर टीएंस बेटर लाइफ, टीएंस को बेटर कीजिए, लाइफ ऑटोमेटिक बेटर हो जाएगी. और आई लव टीएंस and I love IDNet system and I am a diamond, we all are diamond, go gold loins soon everyone, I am going, are you? Yes, lovely, amazing, thank you very much and bahut jaldi aap logon se dwara mulaqat hogi is panel ke andar kuch naye products ke sath, kuch naye superstars ke sath aur kuch naye learnings ke sath. Thank you very much. Stay tuned, stay blessed and catch you soon. Well, thank you very much. Bye-bye. Take care.